तो नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप जहां इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप जानना चाहते हो कि आमिर खान ने क्या बोला, हम आपको जरूर बताएंगे। उसके पहले हम जान जाते हैं मूवी के बारे में। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की अपकमिंग मूवी है जो कि 11 अगस्त को आने वाली है, बट यहाँ पे ऑडियंस इस मूवी को बॉयकॉट करने की अपील कर रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं ऑलरेडी अपने पास्ट के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जहाँ आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर आमिर खान और करीना कपूर ने कुछ कॉन्ट्रीवर्सल यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसके लिए लोगों को पसंद नहीं आया। आमिर खान ने बोला था कि मुझे इस देश में रहने में डर लगता है, और करीना कपूर ने ऑडियंस को ऐसा बोला था, मैं आपको फोर्स नहीं करती हूँ मेरी मूवी देखने के लिए, आप चाहो तो देख सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं देख सकते हो, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। आप क्यों जा रहे हो देखने के लिए, ये करीना कपूर ने ऐसा बोला। तो इसलिए पब्लिक को ऐसा बात, उनका रूड व्यवहार जो था उन्हें पसंद नहीं आया, पब्लिक को ऑडियंस को पसंद नहीं आया, बिकॉज आज के ऑडियंस सब एजुकेटेड है। तो काफ़ी लोग अपील कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग अपील करते हैं ना बॉयकॉट का, अब तक का सबसे खतरनाक बॉयकॉट अपील हो सकता है लाल सिंह चड्ढा मूवी के बारे में। और इसका जो इफेक्ट है और इसका जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा रक्षाबंधन, क्योंकि यहाँ पे क्लैश भी हो रहा है 11 अगस्त को। तो गाइज अब बात करते हैं आमिर खान ने क्या बोला। आमिर खान ने सिंपल स्टेटमेंट दिया है कि आप हमारी जो भी मूवी है उसको बॉयकॉट ना करें, उन्होंने इतना ही बोला है। और इनके पीछे भी यही रीज़न है कि आमिर खान ने बहुत मेहनत करके फॉरेस्ट गंप का रीमेक बनाया है। सो गाइज अब क्या कर सकते हैं, फिर भी पब्लिक बॉयकॉट कर रही है क्योंकि आमिर खान भाई कुछ भी बोलते ही रहते हैं। सो गाइज होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें मेरे भाई लोग प्लीज़, और चैनल को सपोर्ट करें, हो सके तो लाइक का बटन जरूर दबा दें प्लीज़, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शुक्रिया।